हेलो दोस्तों, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आज आपको जियो की जो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है और चार्जिंग में जो दिक्कत आ रही है, मैं आज आपको उसका सलूशन बताने वाला हूँ। मेरे पास जो है 220 ब्लैक जियो का मॉडल है। आज मैं जो है उसी की चार्जिंग आपको ठीक करके दिखलाऊंगा और 2 मिनट के अंदर अंदर आपका फ़ोन जो है सही हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए हमारा मोबाइल है और जो ये है हमारे पास चार्जिंग जैक है और इसका ये प्लस पॉइंट और ये इसके बीच के पॉइंट है और ये हमारा माइनस हुआ, ये प्लस। ठीक है, तो उसके बाद हम बनाते हैं पीवीसी, यानी कि जो हमारा बोर्ड होता है मोबाइल, उसको बना लिया हमने। ये देखिए ये हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या करते हैं, हम जो चार्जिंग के पॉइंट होते हैं वो बना लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट चार्जिंग का ये हो गया, एक ये है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो हो गया, ये चार्जिंग के जहाँ हमारा पॉइंट लगने हैं ये हो गया, और ये जो है हमारा माइनस है, माइनस को हम जो है डायरेक्ट जोड़ दे देंगे, ये प्लस है। तो दोस्तों प्लस को मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके ऊपर जो एक ब्लैंक है, ब्लैंक पॉइंट, जो ब्लैंक पॉइंट है और ब्लैंक पॉइंट के बिल्कुल ठीक सामने 2 पॉइंट और हैं। दोस्तों हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यही प्रॉब्लम आती है, हम जैक के जो पॉइंट होते हैं वो हम इसके जस्ट ऊपर लगा देते हैं। आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको इन दोनों पॉइंट पर ही लगा देना है। ठीक है दोस्तों, प्लस वाला पॉइंट, अगर तब भी आपकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं होता है तो इसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, आप उसे जोड़ सकते हैं। इसका जो बैटरी कनेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर आएगा। देखिए मैं आपको बोर्ड में अब अच्छे से दिखला देता हूँ, मैंने जो है अभी एक फ़ोन रिपेयर किया है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखलाया है, अब मैं आपको फ़ोन में दिखला देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, माइनस को मैंने डायरेक्ट किया है और जो इसके प्लस है दोनों पॉइंट मिला के यहाँ पर मैंने इस पर कैप्चर।